사랑해요. 사랑해. 사랑해요. 사랑해. 사랑해요. बिग बॉस के घर में एक नए मेहमान की एंट्री हुई है और जो एक कमाल के सिंगर हैं, लेकिन क्या है इनका अतीत और ये क्यों इतना फेमस हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन है औरा और ये कहां के रहने वाले और इनका क्यों हुआ बिग बॉस के घर में एंट्री। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको औरा के संघर्ष भरे लाइफ के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप सब हो अनजान। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 10 जनवरी 1986 को साउथ कोरिया में औरा का जन्म हुआ, लेकिन इनका रियल नेम पार्क मिन जुन है। बात करें औरा की पढ़ाई की, उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन अपने ही होम टाउन से कम्प्लीट की है। जैसा की औरा को बचपन से ही सिंगिंग पसंद था और इसीलिए इन्होंने अपने ही स्कूल से अपने सिंगिंग की शुरुआत की थी। जब इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया तो साल 2009 में इन्होंने अपना लव बैक नामक सॉन्ग को सिंगिंग में डेब्यू किया, लेकिन इनके सिंगिंग को लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। फिर औरा ने सोचा कि चलो कुछ अलग किया जाए। फिर इन्होंने एक पॉप सिंगिंग बैंड बनाया जिसमें इन्होंने हिंदी गाने का रीमेक बनाकर गाया। साल 2011 में औरा ने एक बैंड की शुरुआत की जिसका नाम इन्होंने के पॉप बॉय डबल ए रखा। इस बैंड में इन्होंने अपने पॉप सिंगर साथियों को चुना। इस बैंड में ये सब हिंदी सॉन्ग के अलावा भी और भी सॉन्ग के रिमेन बनाया करते थे और इन्होंने अपने सॉन्ग को यूट्यूब पर भी डालना शुरू कर दिया। फिर इस तरह से औरा और उनका ग्रुप और भी तेजी से फेमस होने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद आपसी मतभेद को लेकर औरा अपने ग्रुप से अलग हो गए, लेकिन फिर भी औरा ने अपने हौसले को बुलंद रखा और इन्होंने मिथुन का गाना जिमी जिमी गाया जो खूब पॉपुलर हुआ। फिर इन्होंने सलमान खान की मूवी टाइगर जिंदा है का श्रेक से करेंगे सबका स्वागत गाना भी गाया जिसको लोगों ने इंडिया में खूब पसंद किया। तो इस तरह से पॉपुलर होने के बाद इनको ऑफर आया बिग बॉस के घर से। तो अब वो बिग बॉस के घर में भी अपने कमाल के सिंगिंग से तहलका मचाने वाले हैं। तो ये रही छोटी सी जानकारी पॉप सिंगर औरा के बारे में। तो आज की वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें क्योंकि ऐसी ही रियल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।